हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वापस स्वागत है सुमित भाई पिफ की न्यू गीजर की वीडियो में। एंड ये वीडियो होने वाली हमारी वाटर हीटर सीरीज की थर्ड वीडियो आफ्टर इंस्टेंट गीजर एंड 15 लीटर स्टोरेज गीजर, जहां आज मैं आपको बेस्ट 25 लीटर गीजर्स एक्सप्लेन करूंगा विथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड प्रोज एंड कॉन्स, वो भी विदाउट एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के फर्स्ट 5 मिनट्स मैं आपके साथ गीजर बाइंग गाइड शेयर करूंगा, यानी कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कहीं से पता नहीं चलेंगे। एंड इन पॉइंट्स को सुनने एंड समझने के बाद आपको कोई भी मतलब कोई भी ऑफलाइन या फिर यूट्यूब के ऑनलाइन सेल्स पर्सन कोई भी एक गलत प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ फर्स्टली, इस वीडियो के हर गीजर में हमें उनका वाटर टैंक स्टील का मिलेगा, जिसे कुछ ब्रांड्स यहाँ पे टाइटेनियम स्टील या माइल्ड स्टील भी बोलती है। एंड इन टैंक्स को ओवर द ईयर कोरोजन से बचाने के लिए इनके इनर साइड में एक एंटी कोरोसिव कोटिंग की जाती है, और ये बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज ग्लास लाइन और इनेमल कोटिंग, एंड सेकंड इज पॉलीमर कोटिंग। और अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ग्लास लाइन कोटिंग इज बेटर। एंड इस वीडियो में एक्सेप्ट क्रॉम्पटन आपको मोस्टली गीजर में ग्लास लाइन कोटिंग ही मिलेगी। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि पॉलीमर कोटिंग बेकार है, पॉलीमर कोटिंग इज ऑल्सो गुड। इस पे भी यहाँ पे ब्रांड 7 ईयर प्लस वारंटी दे रही है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ग्लास लाइन कोटिंग इज अ लिटिल बेटर। बाकी यहाँ इस कोटिंग के नाम आपको हर ब्रांड में अलग अलग मिल जाएंगे, लाइक टाइटेनियम इनेमल कोटिंग, टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी, ड्यूरोनॉक्स, ड्यूरा एस कोटिंग, ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग, फेरोग्लास टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और फिर जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे ये ब्रांड्स हैं इनके यूट्यूबर्स, यानी कि जिस ब्रांड ने जिसको पैसा खिलाया है वो उसको बेटर बोलता है। लेकिन मैं इन सबको सेम ही रेट करता हूँ, जिसके पीछे के टेक्निकल रीजन मैंने आपको अपनी इस वीडियो में समझाए हैं। और वैसे हर टॉपिक के रिगार्डिंग जो मेरी डिटेल्ड वीडियो है उसको मैं यहाँ पे साइड में आपको रिकमेंड करता हुआ चलूंगा। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इन वीडियोस को रिफर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे हम यहाँ पे कंप्लीट रिसर्च एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं, ना कि यहाँ पे स्पेक्स रीडिंग या फिर मार्केटिंग। देन फिर सेकेंड, हमें स्टोरेज गीजर में मोस्टली 5 टाइप्स के हीटिंग एलिमेंट मिलते हैं, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, निकल कोटेड कॉपर, इंक्लॉय एंड ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट, जिनको अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च मैं उसी ऑर्डर में रेट करता हूं जिस ऑर्डर में मैंने इनके नाम बताए हैं, लास्ट टू फर्स्ट। बाकी मैं यहां पे आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके यहां पे हार्ड वाटर आता है, लाइक वाटर विद टीडीएस अबव 500 ppm, तो आप फर्स्ट कैटेगरी के हीटिंग एलिमेंट एंड टैंक को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना। और वैसे जिनके यहाँ पे ज्यादा हार्ड वाटर आता है तो उनको अपने गीजर में से इस टाइप की बॉइलिंग, क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड थोड़ी ज्यादा सुनाई दे सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये साउंड क्यों आती है एंड कैसे आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। देन थर्ड, हर गीजर के नेगेटिव रिव्यूज में हमें मेजॉरिटी सेक्शन उनकी इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस के रिगार्डिंग मिलती है। एंड फर्स्टली, इसका यहाँ पे ब्रांड के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम एक ऐसे ही ब्रांड का गीजर लेना है जो हमारे एरिया में अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर सके, जो मैं आपको हर गीजर के लिए गाइड करते हुए चलूंगा। बाकी यहाँ जिन गीजर्स के साथ फ्री इंस्टॉलेशन नहीं मिलती, उनमें हमें एडिशनली 500 rupees एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके चलना है फॉर इंस्टॉलेशन एंड पाइप्स। और जहाँ तक बात रहे इंस्टॉलेशन की, तो कई ब्रांड की स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है कि अगर आप उनके गीजर को उनसे इंस्टॉल नहीं करवाओगे तो आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी। बाकी जो ब्रांड्स यहाँ पे फ्री इंस्टॉलेशन क्लेम करते हैं वो भी सिलेक्टेड एरिया में ही फ्री इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ, इस वीडियो के हर एक गीजर में हमें एक सैक्रिफिशियल एनोड रॉड मिलती है, जो अपने गीजर के स्टोरेज टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट पे स्केलिंग को प्रिवेंट और रिड्यूस करती है, जिससे ओवरऑल गीजर की लाइफ बढ़े एंड साथ ही में यहाँ पे हीटिंग टाइम कम रहे। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये है वीडियो। देन फिफ्थ, इस वीडियो में जो भी गीजर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा उन सब में आपको ये सारे कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे, जिन्हें मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, लाइक मल्टीफंक्शनल वाल्व, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, ड्यूअल थर्मोस्टेट फॉर ओवरहीट प्रोटेक्शन, एंटी ड्राई हीट प्रोटेक्शन, 8-bar प्रेशर रेटेड, 5-star एनर्जी एफिशिएंसी, पावर एंड हीटिंग LED इंडिकेटर्स, एंटी साइफन सिस्टम एंड 3-pin प्लग। इनमें से कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल फीचर नहीं है जिस टाइप से यहाँ पे ब्रांड एंड इनके यूट्यूबर्स इन्हें मार्केट करते हैं। सिक्स्थ, यहाँ पे हर ब्रांड क्लेम करती है कि उनके गीजर में काफी हाई क्वालिटी का थिक PUF इंसुलेशन है, जिससे हमारे गीजर में पानी लंबे समय तक के लिए गर्म बना रहेगा एंड हीट मिनिमम लॉस होगी। एंड फिर इसके रिगार्डिंग में वही बेसलेस एंड गंदी मार्केटिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छे ब्रांड्स काफी अच्छी क्वालिटी की PUF इंसुलेशन यूज करते हैं। अगर कोई ड्रास्टिक फर्क होगा तो वो हमें स्टार लेबल की रेटिंग में
क्लियरली शो हो जाएगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब मैं आपको कभी फुर्सत में गीजर की वर्किंग प्रिंसिपल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। 7th, एक स्टोरेज गीजर में उसकी आउटर बॉडी हमें प्लास्टिक या फिर पाउडर कोटेड मेटल शीट की मिलती है, एंड इन दोनों में मैं ऑब्वियसली यहाँ पे प्लास्टिक वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। देन फिर 8th, आपको कई गीजर में स्विल फ्लो, व्हील फ्लो एंड स्मार्ट मिक्स के नाम की टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी, जिससे गीजर के टैंक में यहाँ पे इनलेट का कोल्ड वाटर अपने गीजर में जो ऑलरेडी हॉट वाटर है उससे स्लोली मिक्स होता है, जिससे हमें कंटिन्यूस यूज में थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट गर्म पानी मिल सके, जिसके रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको रिफर कर लेना। बाकी यहाँ पे मोस्टली सेल्स पर्सन इंक्लूडिंग यूट्यूबर्स का कहना होता है कि इन सब टेक्नोलॉजी से गर्म पानी डायरेक्टली ठंडे पानी से मिक्स ही नहीं होता, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग। देन फिर 9th, इस वीडियो में मैं आपको 20 प्लस गीजर एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम 6000 डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स विद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, प्रोज एंड कॉन्स एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। बाकी आप फर्दर साइजेस के लिए मेरे ब्लॉग पेज को भी विजिट कर सकते हो, एंड वैसे ब्लॉग पेज एंड डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्रोडक्ट लिंक्स मिलेंगी वो सारी जेन्युइन एंड बेस्ट बाय लिंक्स हैं, एंड साथ ही में मेरी एफिलिएट लिंक्स भी हैं, जिनके थ्रू आप अपनी परचेस कंप्लीट करके इस टाइप के अनबायस्ड, अनस्पॉन्सर्ड, टू द पॉइंट कंप्लीट कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा 2 सेकंड में लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मोटिवेट तो आप कर ही सकते हो। और एडिशनली इस चैनल पे मैं अभी तक हर एक कमेंट का रिप्लाई देता था, लेकिन अब से यहाँ पे इन चारों चीजों का नंबर ही डिसाइड करेंगे कि किन को अपने कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। नाउ अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे अपनी बेस्ट स्टोरेज गीजर की रिकमेंडेशन शेयर करता हूँ। सो इस लिस्ट का फर्स्ट मोस्ट अफोर्डेबल गीजर है क्रॉम्पटन अर्नो नियो, जिसकी सारी हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन आपके डिस्प्ले पे शो हो रही है। इनको मैं किसी भी गीजर के लिए बाकियों की तरह बहुत अच्छा चिल्ला के आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। मैंने सारे ही पॉइंट्स आपको डिटेल में एंड अनबायस्ड वे में इस वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए मैं आपको सीधा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बताऊंगा जो इस गीजर के केस में है कि ये अंडर 6000 रुपीज एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गीजर है। अगर मेरा भी यहाँ पे इतना ही बजट होता तो मैं इसे ही कंसिडर करता। बाकी अगर आपको ये गीजर नहीं लेना है तो आप यहाँ पे बजाज न्यू शक्ति नियो को भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि एक 4-स्टार गीजर है, और अर्नो नियो के कंपैरिजन में इसमें ग्लास लाइन टैंक मिलता है विद स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी। और दूसरी तरफ क्रॉम्पटन यहाँ पे एक 5-स्टार गीजर है, विच मीन्स बेटर PUF इंसुलेशन, एंड साथ ही में इसमें निकल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट है विद बेटर वारंटी। एडिशनली अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मुझे क्रॉम्पटन की आफ्टर सेल्स सर्विस ज्यादा बेटर लगती है, और साथ ही में क्रॉम्पटन यहाँ पे ज्यादा ट्रांसपेरेंट ब्रांड भी है। बाकी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पे कर सकते हो तो मैं आपको क्रॉम्पटन अमीका रिकमेंड करूंगा, जिसमें आपको फ्री इंस्टॉलेशन एंड पाइप्स मिलते हैं, जिसके वजह से इसकी इफेक्टिव कॉस्ट 6500 रुपीज के अराउंड आ जाती है, एंड साथ ही में इस पे वारंटी दोनों से बेटर है और स्पेसिफिकेशन अर्नो नियो वाले ही हैं। बस यहाँ एक रिमार्क है कि ऑनलाइन कुछ लोगों को इसके बॉक्स के साथ फ्री पाइप्स नहीं मिले, जो मेरे लिए कोई ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें 150 रुपीज के अराउंड पाइप्स ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप इसे सेम इंस्टॉलर से बाय करोगे तो डेफिनेटली ये पाइप्स आपको महंगे पड़ेंगे। बाकी अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए तो आप इसे ऑफलाइन कंसीडर कर सकते हो। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जहाँ मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी बजाज कॉम्पैग्नो, क्योंकि फर्स्टली इसमें है प्लास्टिक की आउटर बॉडी विद ओवरऑल गुड डिजाइन, सेकेंडली इसमें है फर्स्ट कैटेगरी का स्टोरेज टैंक विद कॉपर हीटिंग एलिमेंट एंड स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी, थर्ड इसमें वारंटी पैकेज भी वन ऑफ द बेस्ट है विद फ्री इंस्टॉलेशन एंड पाइप्स, एंड ये सब चीजें एक साथ मिलना वो भी अंडर 7500 रुपीज ही इसे बेस्ट बना रही है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे यहाँ पे AO Smith HSE के बारे में भी पूछा था, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी का स्टोरेज टैंक एंड हीटिंग एलिमेंट चाहिए। बाकी इन कंपैरिजन टू बजाज इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नॉब नहीं है, स्विल्फ टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वारंटी भी कम है, आफ्टर सेल सर्विस भी बजाज के लेवल तो नहीं है, इंस्टॉलेशन एंड पाइप भी फ्री नहीं है, एंड बजाज से ये कॉस्टली भी है, एंड सो ऑन। अब डिसीजन आपका है, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मेटल बॉडी वाले गीजर्स पे, जहाँ मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी वीगार्ड डिवीनो, जो अंडर 7000 दी बेस्ट गीजर है, लेकिन वीगार्ड की आफ्टर सेल सर्विस हैवेल्स वगैरह के कंपैरिजन की नहीं है, बट ये गीजर हार्ड वाटर एरिया में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अंडर 7000। और वैसे इसमें यहाँ पे एक और वेरियंट आता है विद 3 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट, जो हमें यहाँ पे हर 2 किलोवाट वाले गीजर से
33% फास्टर हीटिंग देगा। एंड एडिशनली इसके साथ हमें यहाँ पे पावर सिलेक्शन नॉब भी मिलता है, जिससे जब हमें फास्ट हीटिंग चाहिए तब हम इसे 3 किलोवाट पे यूज कर सकते हैं, एंड जब हमें यहाँ पे नॉर्मल हीटिंग चाहिए तब हम इसे 2 किलोवाट पे यूज कर सकते हैं। और वैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो अंडर 7000 इसे ही बाय करता। बाकी इसके फर्दर एडवांटेज जानने के लिए आप ये वीडियो देख लेना। देन इसके बाद अगर आपको एक बेस्ट कैटेगरी के हीटिंग एलिमेंट एंड स्टोरेज टैंक वाला गीजर ही लेना है अंडर 8000 रुपीस विद ओवरऑल गुड वारंटी पैकेज, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हैवेल्स मोंसा ईसी। बस इसमें एक रिमार्क है कि ये एक 4-स्टार गीजर है इन 2023, जो 2022 में बिफोर स्टार रेटिंग रिविजन एक 5-स्टार गीजर था। इसमें भी बेस्ट कैटेगरी का हीटिंग एलिमेंट एंड टैंक है विद स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन एंड फ्री फ्लेक्सी पाइप भी है, जिसके वजह से ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी बन जाता है। बाकी गीजर नो डाउट बहुत अच्छा है विद हैवेल्स ट्रस्ट एंड बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस। सारे ही गीजर्स की जेन्युइन एंड बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और एडिशनली अगर इस वीडियो पे मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको गीजर के रिगार्डिंग ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा विद टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, जो आपको कहीं भी YouTube की वीडियो या फिर किसी वेबसाइट के आर्टिकल में भी नहीं मिलेंगी। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज अंडर 9000, जहाँ मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी रिकॉर्ड एटर्नो प्रो, जो अंडर 9000 रुपीज दी बेस्ट गीजर है, जिसमें हमें बेस्ट कैटेगरी का स्टोरेज टैंक, हीटिंग एलिमेंट, स्मार्टनेस टेक्नोलॉजी, स्टर्डी प्लास्टिक बिल्ड, बेस्ट वारंटी पैकेज एंड फ्री इंस्टॉलेशन एंड पाइप्स भी मिलते हैं विथ ट्रस्ट ऑफ रिकॉर्ड। लाइक रिकॉर्ड यहाँ पे वाटर हीटर स्पेस में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ब्रांड में से है। लेकिन रिकॉर्ड गीजर्स के साथ दो रिमार्क्स हैं। फर्स्टली यहाँ पे रिकॉर्ड की आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बिग सिटीज के अलावा किसी और को ये रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। देन सेकेंडली रिकॉर्ड अपने किसी भी गीजर के साथ फ्री इंस्टॉलेशन पाइप बॉक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करता। जब आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाओगे तो इंस्टॉलर अपने साथ में लेके आएगा। बाकी इस गीजर की स्पेसिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पे शो कर दी हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ओरिएंट इलेक्ट्रिक एनमोर एंड क्रॉम्पटन सोलेरियम कूप। यहाँ एनमोर में एडवांटेज है फर्स्ट कैटेगरी के स्टोरेज टैंक का एंड स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी का ओवर क्रॉम्पटन। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक 25 लीटर की कॉम्पैक्ट गीजर में हमें यहाँ पे स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी से कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बाकी आप मुझसे पूछोगे तो मेरी पिक यहाँ पे क्रॉम्पटन ही रहेगी, बिकॉज आई ट्रस्ट क्रॉम्पटन मोर देन ओरिएंट इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, एंड एडिशनली हमें क्रॉम्पटन के साथ फ्री इंस्टॉलेशन एंड फ्लेक्सी पाइप भी मिलते हैं। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अंडर 10000 के सेगमेंट में, जहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू फॉर मनी रिकमेंडेशन रहेगी उषा एक्वेरा, जिसकी सारी ही हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ज्यादा हार्ड वाटर आता है, लाइक वाटर विद टीडीएस 1000 और अबव, तो आप यहाँ पे ओरिएंट एक्वाटर प्लस को कंसिडर करना। एंड फिर अगर वाटर का टीडीएस 1000 से कम है एंड आपको यहाँ पे 10000 में कम्प्लीट गीजर चाहिए विद इंस्टॉलेशन, तो आप यहाँ पे वी गार्ड पेबल शाइन को कंसिडर कर लेना। एंड वहीं अगर आपके एरिया में वी गार्ड की आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉम्पटन सोलेरियम केयर को भी कंसिडर कर सकते हो, जिसमें हमें एडिशनली एक फ्री स्मार्ट प्लग मिलता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इसके गीजर को रिमोटली ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपने स्मार्टफोन की हेल्प से। अगेन सारे ही गीजर्स की जेन्युइन एंड बेस्ट बाय लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेफेस्ट गीजर के सेगमेंट पे, जहां मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन एज ऑलवेज रहेगी हैवेल्स एडोनिया स्पिन, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस देने के रीजन है कि फर्स्टली इसमें हमें एक शॉक सेफ प्लग मिलता है, जिससे गीजर में अगर अर्थ लीक होता है यानी कि पानी में इनकेस करंट जाता है तो ये गीजर ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली अपने गीजर की पावर सप्लाई को कट कर देगा, जो नो डाउट एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। बाकी इसके अलावा इसमें भी आपको फर्स्ट कैटेगरी का टैंक, हीटिंग एलिमेंट, स्टिल फ्लो टेक्नोलॉजी, बेस्ट वारंटी पैकेज सब कुछ मिल जाता है With Havel's Trust and Best After Sales Services. और additionally ये गीजर aesthetic wise भी काफी appealing है। And to be very honest, अगर मुझे इस budget के around गीजर लेना होता तो मैं इसे ही pick करता। Then फिर इसके बाद यहाँ पे next option है Usha Aquera DG, जिसके लिए one word explanation है कि ये one of the most affordable and feature loaded गीजर है। Like इसमें है digital display with touch panel and remote operation. Secondly इसमें है performance based heat tech for 20% more hot water utilization and energy efficiency. Third, इस गीजर के साथ भी shock safe plug है. Then fourth, इसमें है sterilization technology, जिसमें water को 80 degree Celsius तक heat करके bacteria's buildup को ये prevent करता है,
जो हर अदर गीजर में अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री का होता है। बाकी इसकी भी सारी स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। अगर आपको यहाँ पे बजट में एक बेस्ट फीचर रिच गीजर चाहिए विद सेफ्टी तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है। देन इसके बाद अगर आप चाहो तो वीगार्ड पेबल शाइन विद सेफ शॉक प्लग को भी कंसिडर कर सकते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल पेबल शाइन जैसा ही है, बस इसमें एक एडिशनली शॉक सेफ मॉड्यूल है। बाकी अगर आपको फास्टेस्ट हीटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे पेबल शाइन के 3 किलोवाट वाले वेरियंट को कंसिडर कर सकते हो जो हमें 33% फास्टर हीटिंग देगा। एंड इस बजट में इसका कोई भी कॉम्पिटिशन है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ हीटिंग टाइम। देन फिर इसके बाद अगर आपको यहाँ पे 11,000 अबव एक गीजर लेना है जिनमें ऐसा परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट आपको यहाँ पे 3 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट वाले कुछ और वेरिएंट मिल जाएंगे, लेकिन 11,000 के अबव जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बेटर एस्थेटिक्स डिजाइन लाइक कम्प्लीट LED रिंग स्मार्ट गीजर विद डिजिटल डिस्प्ले एंड रिमोट ऑपरेशन IoT enabled smart geyser with app support and so on। तो अगर आपको एक ऐसे ही गीजर चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पेज को विजिट कर लेना। फिलहाल यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप इस फॉर्मेट में कमेंट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने कमेंट की रिप्लाई ले सकते हो।